Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे ऐसे हिंदी शोज की जिन्होंने अपनी फीमेल लीड्स की जर्नी के थ्रू हमें दिखाया कि औरत के लिए एक बुरी शादी या फेल्ड मैरिज का मतलब लाइफ का एंड होना नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है अपनी गलती सुधारने का और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीने का। वेल दोस्तों, हमारे इंडियन टेलीविजन में ऐसे कुछ शोज आए जिन्होंने फेरी टेल रोमांस ना दिखाकर कुछ ऐसी शादियां भी दिखाई जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस, इनफिडिलिटी, चीटिंग, कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीजें देखने को मिली, और कैसे ऐसी ट्रॉमेटिक मैरिज के रिश्ते से निकलकर इन सीरियल्स की हीरोइन अपनी नई जिंदगी शुरू करती है जहाँ उन्हें मिलता है उनकी जिंदगी का नया हमसफर। तो दोस्तों, आइए बताते हैं आपको कुछ ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में हु गॉट देयर ट्रू लव आफ्टर देयर फेल्ड मैरिज। तो स्टार्ट करेंगे स्टार प्लस के शो अनुपमा की लीड अनुपमा से, जो कि एक सेल्फलेस डेडिकेटेड हाउसवाइफ थी जिसे ना अपने बच्चों से रिस्पेक्ट मिलती है ना ही अपने पति वनराज से प्यार। जहाँ वनराज अनुपमा से ज्यादा अपनी कलीग काव्या के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, पर अपने परिवार और अपनी मैरिड लाइफ की खुशी के लिए अनुपमा इसे नजरअंदाज करती है। पर जिस दिन वो वनराज को काव्या को प्रपोज करते हुए देखती है उस दिन उसकी आंखें खुलती है और वो फैसला करती है वनराज की लाइफ से अलग होकर अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने की। जहाँ इस सफर में उसे एनआरआई बिजनेसमैन अनुज कपाड़िया का साथ मिलता है जो कि अनुपमा का बैचमेट भी होता है, और वो अनुपमा को उसकी अलग आइडेंटिटी बनाने में हेल्प भी करता है, और ऐसे ही इन दोनों के बीच एक बॉन्ड डेवलप होता है जो कि बहुत जल्द प्यार में बदल जाता है और आगे दोनों शादी भी करते हैं। वेल फिलहाल शो में अनुपमा और अनुज के बीच भी दूरियां आ चुकी है, पर स्टिल दोनों के बीच आज भी एक दूजे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स बाकी है। वेल दोस्तों, अब बात करेंगे सीरियल पुनर्विवाह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की, जिसकी स्टोरी बेस्ड एक डाइवोर्सी वुमेन आरती पर, जिसे अपने पहले पति से धोखा मिलता है और वो किसी दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ देता है, और आरती एज अ सिंगल मदर अपने बेटे की परवरिश करती है, पर उसके सपोर्टिव इन लॉज उसके फ्यूचर के खातिर उसकी शादी एक विडोवर रिच मैन यश से कराते हैं। जहाँ आरती अपनी फर्स्ट मैरिज के ट्रॉमा के वजह से यश को शुरू में अपना नहीं पाती और ना ही यश उसे एज अ वाइफ एक्सेप्ट करता है, पर धीरे धीरे अपने बच्चों की वजह से ये दोनों क्लोज आते हैं और बहुत जल्द अपने ट्रॉमेटिक पास्ट को भुलाकर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यश आरती के साथ साथ उसके बेटे अंश को भी अपनाता है। वेल दोस्तों, अब बात करेंगे सीरियल गीत हुई सबसे पराई की हीरोइन गीत की, जहां हम देखते हैं गीत की अरेंज मैरिज करा दी जाती है एक रईस एनआरआई आदमी देव खुराना से, जहां उसके सच से अनजान गीत उससे शादी कर लेती है, पर शादी के नेक्स्ट डे ही देव उसे छोड़कर चला जाता है, और गीत को उसका सच पता चलता है कि देव ऑलरेडी मैरिड था और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली होती है, और ऐसे में उसकी फैमिली उसे बच्चा अबॉर्ट करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, और तब गीत फैसला करती है अपनी फैमिली से दूर दिल्ली जाकर रहने का और अपने बच्चे को जन्म देने का। जहाँ दिल्ली में उसे एक ऑफिस में एक एंग्री यंग बिजनेस टाइकून मान सिंह खुराना की सेक्रेटरी की पोस्ट में जॉब मिलती है, जहाँ गुस्सेल मान और चुलबुली गीत के बीच स्टार्ट में तो काफ़ी नोकझोंक होती है, पर धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार जगह लेता है और मान को भी ये पता चलता है कि गीत को उसके भाई देव ने चीट किया था, पर इसके बावजूद भी मान गीत के लिए स्टैंड लेता है और गीत के साथ साथ बच्चे को भी अपनाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लीड की, जो कि है सीरियल सौभाग्यवती भवा से जाह्नवी, जो कि विराट के सच से अनजान उससे शादी कर लेती है। जहाँ अच्छी लाइफ की उम्मीद रखने वाली जाह्नवी का भ्रम शादी के बाद टूट जाता है जब वो देखती है उसका पति साइको है और एक ओवर पॉजिटिव नेचर वाला है जो जाह्नवी को चार दीवारी में कैद करके रखना चाहता है, और उसे किसी पराये आदमी से बात करता देख वो उसके साथ फिजिकल अब्यूज भी करता था। जहाँ एक दिन वो फैसला करती है विराज के चंगुल से भागकर नई लाइफ शुरू करने का, और वो नई आइडेंटिटी सिया के नाम से अपनी लाइफ जीती है। जहाँ इस सफर में उसे मिलता है राघव का साथ, जो पहली नज़र में ही जाह्नवी को दिल दे बैठता है, और वो जाह्नवी को समझता है और उसके ट्रॉमेटिक पास्ट से उसे बाहर निकालता है और उसे शादी कर एक नई खुशनुमा लाइफ भी देता है। जहाँ राघव के साथ से जाह्नवी पहले से कई ज़्यादा कॉन्फिडेंट और निडर हो जाती है। वेल, अब बात करेंगे सीरियल डोली अरमानों की जहाँ आप देखते हैं परफेक्ट ड्रीम पार्टनर का सपने देखने वाली उर्मी को चीटर और एब्यूजिव हस्बैंड मिलता है जो उसकी लाइफ को हेल बना देता है, और कैसे उर्मी उस रिश्ते से निकल कर अपनी नई लाइफ शुरू करती है। जहाँ उसका दोस्त ईशान उसे सहारा देता है और बुरी शादी से ओवरकम करने में हेल्प भी करता है, और उर्मी अपने बेटे संग उसके साथ न्यू लाइफ लीड करती है।
वेल, इसके अलावा हमने सीरियल पटियाला बेब्स में देखा कैसे बबीता अपनी डिसरिस्पेक्टफुल मैरिज से बाहर निकलकर अपनी बेटी संग केटरिंग बिजनेस शुरू करती है, जहां उसे मिलता है उसके लैंडलॉर्ड हनुमान का साथ, जो उसे प्यार और हिम्मत दोनों देता है, और बबीता अपनी पास्ट मैरिड लाइफ भुलाकर उसके साथ नई जिंदगी जीती है। वेल, इसके अलावा सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का की मौली को अपने हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड से धोखा मिलता है, जहां उसका पति कुणाल उसके पीठ पीछे उसकी फ्रेंड नंदिनी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, और ये सच पता चलने के बाद मौली टूट जाती है और अपने हस्बैंड से अलग अपनी बेटी मिष्टी की परवरिश करती है, जहाँ इस जर्नी में उसे ईशान नाम का शख्स मिलता है जो उसे हर तरह से सपोर्ट करता है और उसकी फेल्ड मैरिज के बावजूद उसे अपनाता है, और मौली भी उसके लव को रियलाइज करती है और उसके साथ न्यू लाइफ लीड करती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे सीरियल बालिका वधू की फीमेल लीड आनंदी की, जिसकी चाइल्ड मैरिज होती है जग्या से, जहाँ शादी के बाद दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता तो होता है, पर जैसे जैसे दोनों यंग होते हैं दोनों की सोच और ओपिनियंस भी बदलती है। जहाँ आनंदी को इंतज़ार है जगदीश के वापस आने का, तो वही जगदीश अपनी हायर स्टडीज के लिए शहर जाता है कॉलेज पढ़ने, जहाँ उसे अपनी क्लासमेट गौरी से प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ काफ़ी रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहाँ जग्गी अपनी मैरिड लाइफ गौरी से छुपाता है, तो वही आनंदी को जगदीश के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, पर आगे जाकर जगदीश का ये सच आनंदी और उसके इन-लॉज को भी पता चलता है। आनंदी के इन-लॉज उसे सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से जगदीश फैसला लेता है अपने परिवार को छोड़ गौरी के साथ रहने का, और तब उनके गाँव में एंट्री होती है IAS शिव की, जो कि आनंदी को काफ़ी मोटिवेट करता है गांव की बाकी औरतों को शिक्षा दिलवाने के लिए, और धीरे धीरे आनंदी और शिव के बीच एक खूबसूरत बॉन्ड डेवलप होता है जो कि बहुत जल्द प्यार में बदल जाता है, और आनंदी की दादी सा उसके जीवन की खुशी के लिए उसकी शादी शिव से करवा देती है, जहाँ शिव आनंदी को एज अ वाइफ काफ़ी रिस्पेक्ट देता है और उसे समझता है, और शिव की छत्र छाया में आनंदी पहले से काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो जाती है। वेल, दोस्तों, आप चलेंगे सीरियल बेपनाह की तरफ, जिसकी स्टोरी में हम मिलते हैं जोया नाम की लड़की से, जो कि अपने पति से बेपनाह मोहब्बत करती है, पर उसका ये भ्रम तब टूट जाता है जब उसे अपने हस्बैंड की डेथ न्यूज़ मिलती है, और तब वो देखती है उसके हस्बैंड के हाथों में हाथ डाले एक वोमैन की डेड बॉडी, जहाँ वो डेड वोमैन वाइफ होती है आदित्य हुडा की, जिसे रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ किसी आदमी के लिए उससे चीटिंग कर रही हो, और धीरे धीरे ये बात जोया को भी रियलाइज होती है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के लिए उससे चीट करता है, जिसके बाद शैटर्ड जोया अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीने की कोशिश करती है। उसकी इस जर्नी में उसको साथ मिलता है आदित्य हुडा का, जिनके बीच स्टार्टिंग में तो काफ़ी नोकझोंक होती है, पर डेस्टिनी धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती है और दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगते हैं। जोया और आदित्य दोनों को रियलाइज होता है कि उनको एक दूसरे से अच्छा लाइफ पार्टनर कोई नहीं मिल सकता, और दोनों एक दूजे को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप बात करेंगे सीरियल इमली सीजन 1 की हीरोइन इमली की, जिसकी शादी कुछ सर्कमस्टांसेस के वजह से एक रिपोर्टर आदित्य के साथ हो जाती है, जहां आदित्य की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होती है, जिस वजह से आदि इमली को दिल्ली में अपनी फैमिली के सामने एज अ मेड इंट्रोड्यूस करता है, जहां आगे जाकर इमली आदित्य से प्यार करने लगती है और इस अनचाही शादी को सच मानने लगती है, और आदित्य को भी रियलाइज होता है इमली उसका ट्रू लव है, और ये बात वो अपनी GF मालिनी को भी बता देता है, जहाँ ये सुन मालिनी टूट जाती है लेकिन उनका रिश्ता एक्सेप्ट कर लेती है, और धीरे धीरे मालिनी के मन में जेलेसी आ जाती है और वह ऐसी कई चालें चलती है जिससे इमली और आदित्य के रिश्ते में काफ़ी दूरियाँ आ जाती है, और ट्रस्ट इश्यूज और कम्युनिकेशन गैप के वजह से इमली आदित्य से अलग हो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने निकल पड़ती है, जहाँ इस सफर में उसकी मुलाकात होती है एक रूड एरोगेंट बिजनेसमैन आर्यन से, जिनके बीच स्टार्टिंग में एक दूजे को लेकर डिसलाइकिंग होती है, पर कई नोकझोंक के साथ साथ इन दोनों के बीच एक प्यारा सा बॉन्ड डेवलप होता है जो कि प्यार में बदल जाता है, और दोनों आगे जाकर शादी भी करते हैं, जहाँ आर्यन के साथ से इमली को वो सब मिलता है जो उसे उसकी पहली शादी से नहीं मिल पाता। वेल, इसके अलावा हमें ये रिश्ता क्या कहलाता सीजन 3 में अक्षरा की मैरिड लाइफ का भी कुछ यही हाल देखने को मिला, जहाँ उसकी ट्रॉमेटिक मैरिड लाइफ के बाद अभिनव उसकी लाइफ में आता है और अक्षरा को एक नई जिंदगी देता है। तो दोस्तों, ये थे वो पॉपुलर फीमेल लीडिंग कैरेक्टर्स जिन्हें उनका ट्रू लव उनकी फेल्ड मैरिज के बाद मिला। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं इनमें से कौन सा कपल आपका फेवरेट रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।